हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में, और आपको इससे रिलेटेड जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उन लेडीज के लिए जिन्हें मेनोपॉज हो चुका है, या फिर जो मेनोपॉज वाली स्टेज से गुजर रही हैं, या फिर उन डॉटर्स के लिए जिनकी मदर को मेनोपॉज हो रहा है या हो चुका है। क्योंकि जो हमारी मदर होती हैं, वो इस बारे में, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही दबा के रखती हैं। तो एज ए डॉटर हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी प्रॉब्लम का क्योर करें, और उनसे खुद जाके इस टॉपिक पे बात करके उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को दबाने की जगह उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा देखा है कि वो अपने घर में अपने बच्चों से ही इन टॉपिक पे बात करने में बहुत डरती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मेनोपॉज। दोस्तों, मेनोपॉज का मतलब होता है जब एक महिला के पीरियड्स परमानेंटली रुक जाते हैं, या फिर धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए हैं, और जब एग रिलीज होने बंद हो जाते हैं तो पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। उस स्टेज पे जब एक महिला पहुंच जाती है, उसे बोला जाता है मेनोपॉज एज, या फिर मेनोपॉज का हो जाना। ये जरूरी नहीं है कि एकदम से ही पीरियड स्टॉप हो जाएंगे, हो सकता है स्टॉप होते होते या फिर धीरे धीरे कम होते होते स्टॉप हो। तो ये एक पूरा साल भी बीत सकता है आपका, 2 साल भी बीत सकते हैं, या फिर कुछ महीनों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वो इस बारे में ये बताते हैं कि जब एक महिला को लास्ट 12 मंथ्स में पूरे 12 महीने तक कॉन्टिन्यूसली पीरियड्स अगर नहीं आए हैं पिछले 1 साल से, तो उसे बोला जाता है कि उस महिला को मेनोपॉज हो गया है, यानी कि अब वो मदर नहीं बन सकती है आगे, और उसके पीरियड अब स्टॉप हो चुके हैं, एग रिलीजिंग बंद हो चुकी है। तो पूरी तरह से मेनोपॉज होने से पहले एक प्री मेनोपॉज स्टेज होती है, जिसमें कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, यानी कि आपके जो पीरियड्स हैं वो शॉर्टर हो सकते हैं, लॉन्गर हो सकते हैं, और इरेगुलर हो सकते हैं। आपका कोई कोई महीना बीच में छूट भी सकता है। तो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह की चीज़ें होने लगें आफ्टर दी एज 45, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, और आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी मेनोपॉज स्टेज में जाने वाली है। तो दोस्तों, प्री मेनोपॉज स्टेज या फिर मेनोपॉज स्टेज में आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज और हार्मोनल स्टेजेस से गुजरती है, और आपके उस समय जो बॉडी में हैवियर पीरियड या फिर लाइटर पीरियड, किसी भी तरह के पीरियड्स हो सकते हैं, और मेनोपॉज लेके आता है इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को, जिनके बारे में हमारी मदर्स हमसे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, या नहीं करती हैं, या उन्हीं प्रॉब्लम को खुद ही फेस करती रहती हैं, और उन्हें उनका सॉल्यूशन भी पता नहीं होता है। जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ही कॉमन देखा गया है, जिन लोगों का मेनोपॉज हो जाता है या फिर वो स्टेज से गुजर रही हैं, तो उनको नींद आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो नींद ना आना अपने आप में ही बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट कर देता है। लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे जो लेडीज होती हैं, उन्हें नींद ना आना एक उनकी कॉमन समस्या बन जाती है, जिसके बारे में वो हमें बोल देती है कि हाँ, हमें नींद नहीं आ रही है, बट उन्हें खुद ही नहीं पता कि ऐसा उनके साथ क्यों होने लग गया है। एक सर्टेन एज के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है, और इसके कारण उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं और बढ़ जाते हैं, जैसे कि उन्हें आगे जाके ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, या फिर वो नींद ना आने से उनकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बढ़ जाता है, और ऐसे करके उन्हें आगे जाके हार्ट इश्यूज या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इट्स बिकॉज कि आप मेनोपॉज स्टेज से गुजर चुकी हैं, या आप गुजर रही हैं, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपके बॉडी में अभी रिसेंटली बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आए हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा दोस्तों, मेनोपॉज की स्टेज में महिला को हॉट फ्लैशेज होना बहुत कॉमन बन जाता है। हॉट फ्लैशेज का मतलब होता है पूरी बॉडी का एकदम से गर्म पड़ जाना, या फिर आपको एकदम से घबराहट का महसूस होना, और आपको अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट का महसूस होना, खासतौर पर आपके फेस पे, आपके नेक पे, या फिर आपके चेस्ट एरिया पे, और साथ में ही आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी बॉडी एकदम से जल रही हो, और साथ में आपको काफी ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपकी बॉडी एकदम से ठंडी पड़ जाती है। तो हॉट फ्लैशेस का होना भी मेनोपॉज का एक बहुत बड़ा सिम्टम माना गया है। उसके अलावा दोस्तों, आपके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमन हो जाएंगे, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, और आपके मूड का कोई भरोसा नहीं है। आप कभी खुश महसूस करेंगे, कभी आप एकदम से सडनली डिप्रेस महसूस करना शुरू कर देंगे। और मेनोपॉजल स्टेज में एक बहुत ही बड़ा सिम्टम ये देखा गया है कि मेनोपॉज के टाइम पे आपका जो वजाइनल ड्राइनेस का इशू शुरू हो जाता है, जो आपका वजाइनल एरिया है वो काफ़ी ड्राई रहना शुरू हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हुए हैं, तो जो आपके वजाइनल एरिया है वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, और ब्लड फ्लो की कमी से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो वजाइनल एरिया है वो काफ़ी ड्राई रहना शुरू हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बन जाता है। तो मेनोपॉज स्टेज में आपकी बॉडी में हार्मोन्स काफ़ी कम हो जाते हैं, आपकी ओवरीज बहुत ही कम मात्रा में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाती है, और एकदम से आपकी बॉडी में इतने कम हार्मोन्स का हो जाना, इन दोनों हार्मोन्स का कम हो जाना काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क को बढ़ावा देता है, यानी कि मेनोपॉज आने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना, हार्ट डिसीज होने की संभावना और स्ट्रोक आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और ये सब होता है हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम मात्रा में बनने से। तो दोस्तों अपने आप को इन हेल्थ इश्यूज से बचाने के लिए और साथ में ही वजाइनल ड्राइनेस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, हॉट फ्लैशेस को ख़त्म करने के लिए, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एवरटीन के मेनोपॉजल रिलीफ विद ब्लैक कोहोश कैप्सूल्स को। दोस्तों इन कैप्सूल्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक कोहोश एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लैक कोहोश के बारे में बता देती हूँ, आप इंटरनेट पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ब्लैक कोहोश एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल सदियों से मेनोपॉजल सिम्टम्स को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। तो आप मेनोपॉजल रिलीफ के लिए ब्लैक कोहोश को ढूंढने तो नहीं निकल सकते हैं, तो इसलिए आप ले सकते हैं ये एवरटीन के कैप्सूल्स जिनमें ब्लैक कोहोश एज ए मेन इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल किया गया है। तो ब्लैक कोहोश जो है आपको रिलीफ देगा हॉट फ्लैशेस से, नाइट स्वेट से, यानी कि आपको जो हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपको जो स्वेटिंग का इशू हो रहा है उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा, साथ में ही वजाइनल ड्राइनेस को भी दूर करने में हेल्प करेगा, और मेनोपॉजल स्टेज में कई बार हार्ट पैल्पिटेशंस भी होने लगती हैं उनमें भी आपको काफ़ी आराम पहुँचाएगा, और आपको जो स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है या फिर किसी भी तरह के मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी रहती है, उन सब केसेस में भी ये ब्लैक कोहोश आपको काफ़ी रिलीफ पहुंचाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें शतावरी एक्सट्रैक्ट, शतपुष्पा एक्सट्रैक्ट, चंद्राशुर एक्सट्रैक्ट, शंख पुष्पी एक्सट्रैक्ट और जटामानसी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल भी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो अदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्टोर करती है और बैलेंस करती है उनके हॉर्मोन्स को। साथ में अगर आपके अंदर किसी भी तरह की थकावट रहती है और आपको किसी भी तरह के मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उसमें भी काफ़ी आपकी हेल्प करती हैं ये सारी हर्ब्स। तो इन सारी हर्ब्स का मिक्सचर आपको मिल जाएगा एवरटीन के मेनोपॉजल रिलीफ कैप्सूल्स में। तो आप एक दिन में 2 कैप्सूल्स का सेवन कर सकते हैं आफ्टर मील। तो आप इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल तभी करें अगर आप प्री मेनोपॉजल स्टेज में हैं या फिर आप मेनोपॉजल स्टेज में हैं। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप कोई और मेडिकेशन साथ में ले रहे हैं तो इन कैप्सूल्स को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो दोस्तों इन कैप्सूल्स की कीमत है 1119 रुपये, और इसके बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ये आपको ऑनलाइन थोड़े डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कैप्सूल 100% नेचुरल हैं, सेफ़ हैं एंड इफ़ेक्टिव हैं, और साथ में ही GMP सर्टिफाइड हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, 100% वेगन हैं, और साथ में ही FSSAI अप्रूव्ड हैं और ISO सर्टिफाइड हैं। तो दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए या फिर अपनी मदर के लिए आप इन्हें बाय कर लीजिए, बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेटेड हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।